वुमेन एड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के साथ मिलकर फ्री ऑटो एम्बुलेंस सर्विस शुरू करवाई है। इस एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया है गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी श्री किशोर बाबू ने। आपको बता दें, इस ऑटो एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल डिवाइसेस रखे गए हैं, जैसे कि सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। जरूरत पड़ने पर आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9611992772। ये ऑटो एम्बुलेंस आपके लिए 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कि आप सभी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर किस तरीके से पूरे लोग परेशान हो रहे हैं। ख़ास तौर पे इस पे आम लोग, मिडिल क्लास लोग, जो इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बीच में नेशनल मीडिया में भी आ रहा है कि एम्बुलेंस को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार चार्ज किया जा रहा है। आप सभी देखते हैं, उसी चीज़ को देखते हुए कर्नाटका स्टेट शहर गुलबर्गा के अंदर गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन काम कर रही है, उसी के बैनर तले ह्यूमननेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक ऑटो एम्बुलेंस, जिसकी आज इफ्तिताह हुई किशोर बाबू साहब के हाथ से। इस ऑटो के ओनर और इस ऑटो को चलाने वाले खुद वही हैं, जिनका नाम इकबाल साहब है। उनका नंबर इस ऑटो के ऊपर दिया गया है और आपके मीडिया के ज़रिए भी इनका नंबर आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जिनको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हो गुलबर्गा शहर के किसी कोने में भी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये एम्बुलेंस आपके घर तक आएगी, आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, आपको हॉस्पिटल से घर तक लेकर आएगी। तो जिस तरीके से पूरे गुलबर्गा में 22 एनजीओ मिलकर गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरे तफसीलात आपके मीडिया के ज़रिए से बताए हैं। फिर एक छोटी सी कोशिश एम्बुलेंस के रूप में आज इफ्तिताह हुई है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, आज जैसे कि किशोर बाबू साहब ने भी पूछा कि हाउ मच ऑटो, कितने ऑटो आप लगाए हैं, फिलहाल तो एक ऑटो से शुरुआत की हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी तादाद हम बढ़ाएंगे। जज़ाकअल्लाह। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले कई दिनों से हमने बेड अवेलेबिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा रहे थे, जिसको बेड नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो लोग ट्रीटमेंट कर घर पर आ रहे थे, जिसको और एक 4-8 दिन 10 दिन डॉक्टर की राय दे रहे थे कि ऑक्सीजन उन्होंने और एक 5 दिन घर पर लगाया जाए, तो उसी तरीके से हमें दिक्कत ये आ रही थी कि ऑटो से हमें प्लांट पे भेजने के लिए, ऑटो ऑक्सीजन लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। कई सारे एम्बुलेंस रात में नहीं मिल रहे थे, कहीं ऑटो वाले नहीं मिल रहे थे लॉकडाउन होने की वजह से। तो हमने ये तय किया कि वुमेन एड की जानिब से गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के बैनर के तले एक ऑटो एम्बुलेंस बनाने का ये फाइनल किया, जिसमें आपको मालूम है कि अभी हमारे गुलबर्गा के डीसीपी किशोर बाबू साहब इसकी ओपनिंग करके गए हैं। ये ऑटो में हम एक छोटा सिलेंडर रख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, बाइपाप रख रहे हैं, तमाम मतलब जो एक कोविड अगर पेशेंट इसी ऑटो में अगर दवाखाने तक जाएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए जितनी फैसिलिटी होना है वो फैसिलिटी इसमें रहेगी। एक हमारी तरफ से एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो नर्स हैं उनको इसमें रखा जाएगा। पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचे तक वो पूरा अपडेट, पेशेंट का अपडेट देता रहेगा, लेता रहेगा। और उसके अलावा अगर किसी को हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल तक भी पहुंचना है इमरजेंसी, तो हमारा यहां पर नंबर दिया गया हुआ नंबर है 9611992772। हमारे इकबाल साहब जो ऑटो के ओनर भी हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हमें
प्रोवाइड किया है ऑटो, बल्कि उन्होंने भी अपना पूरा 24/7 टाइम दे रहे हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। ऐसे ही कोविड केसेस बढ़ रहे हैं गुलबर्गा में, बढ़ रहे थे, तो अवेयरनेस के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि किसी को हम कॉल कर रहे हैं लॉकडाउन में तो एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो इसी को देखते हुए सोचते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस सर्विस, एक ऑटो एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के बैनर में। ये गुलबर्गा ओपन एड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अजीम साहब, जैदी साहब और हम लोगों टीम ने मिलके ये सर्विस जो है इनिशिएट किया है। तो इससे इंशाल्लाह आगे और भी जो है इसे ऑटो सर्विसेज हम टाइमिंग जो है अब इनिशिएट करेंगे, ताकि ये जो इमीडिएटली जो पेशेंट को है ना इमरजेंसी में एक इमीडिएट सर्विस मिल सके, मेडिकेयर मिल सके, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल को ये सर्विस ले कर जाएँगे। और ऐसा हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा भी हमारी टीम, जैसे कि आप लोगों सभी को मालूम है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ऑक्सीजन सप्लाई से लेके सभी और दूसरे बेड अवेलेबिलिटी से लेके सभी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और आने दिनों में और हमारे सर्विसेज हम और इंक्रीज़ करेंगे, ताकि ये कोविड के जो केसेस हैं इमीडिएटली जो है हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, गुलबर्गा से कोविड फ्री सिटी बना सकें। इसको लेके हमारे DC सर ने भी हम लोग को इंक्रेज किया, हम लोग को सपोर्ट किया, उन्होंने भी आगे आके हम लोग को अप्रिशिएट करके ये सर्विस का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। हम तहे दिल से स्पेशली किशोर बाबू सर और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग को NGOs को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। जिस तरह से बताया गया कि यहाँ पर शहर गुलबर्गा के अंदर एक ऑटो एम्बुलेंस का हम आज इनॉग्रेशन किए हैं, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑटो एम्बुलेंस हम स्टार्ट किए हैं। एक नंबर है मोहम्मद इकबाल साहब का, जो एक ऑटो ड्राइवर भी हैं यहाँ पर, उन्होंने ये इनके नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको घर से आकर रिसीव करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ऑटो का सेटअप है, आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरा ऑटो है। अब यहाँ पर एक शील्ड भी लगाई गई है पेशेंट को और एक ड्राइवर के बीच में एक डिफरेंस के लिए। एक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र, फर्स्ट सैनिटाइज़ करते हैं पेशेंट को सैनिटाइज़ करते हैं, और हमारा एक व्हीकल को भी हम सैनिटाइज़ करते हैं। पेशेंट का एक टेम्परेचर चेक करते हैं, एक हमारे पास थर्मामीटर भी है, इसके ज़रिए से हम पेशेंट का एक टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक ऑक्सीमीटर भी है, SpO2 जो लेवल है, सैचुरेशन लेवल है पेशेंट का, ये चेक करने के बाद हमारे पास अगर सैचुरेशन लेवल गिर गया है पेशेंट का, थोड़ा डाउन हो गया है, 95 से कम है या 90 के बिलो भी आ रहा बोलकर बोले, तो फिर हम उसका नेक्स्ट ऑक्सीजन सिलेंडर, एक छोटा वाला एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास एक अवेलेबल है। आप देखेंगे इधर से, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और इसके साथ एक मास्क भी लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन लेवल के हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन का एक प्रेशर उनको मेंटेन कर 93 to 95 अबव प्रेशर मेंटेन करा कर उन्हें हम हॉस्पिटल को शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एक टीम तो ऐसा ऑटो एक एम्बुलेंस में लेकर जाकर हॉस्पिटल को रश करती है, वहाँ रीच करती है। नेक्स्ट टीम हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी के लिए काम करती है, ये पेशेंट के लिए सुइटेबल हॉस्पिटल कौन सा है तब कदम पता कर वहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा एक है, जब भी पेशेंट को एम्बुलेंस से हम हॉस्पिटल को शिफ्ट करते हैं उसके बाद पूरा फुल्ली सैनिटाइज करते हैं इसको, और कुछ भी अगर वेस्ट अगर निकलता है तो कुछ भी वेस्ट मटेरियल कुछ भी निकलता है तो उसको डिस्कार्ड हम कर देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, वो देकर एक वेस्ट डिस्कार्ड हम ऐसा करते हैं। एक पूरा भी एक उसका प्रोसीजर है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसा एक एम्बुलेंस की, कहीं पर भी आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये फ्री में आपको ऑटो एम्बुलेंस सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी हर घर तक इंशाल्लाह। और एक इसके साथ हमारा जो एम्बुलेंस के साथ एक मेडिकल एक्सपर्ट भी रहेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। यहाँ पे जो गुलबर्गा शहर में COVID-19 के केसेस बढ़ने पर जो है ना एम्बुलेंस से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी लोगों को ले जाने के लिए, तो जिस किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा ऑटो एम्बुलेंस जो है ना आपके लिए तैयार है, और उसको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिस किसी को भी आपके किसी के घर में भी अगर पेशेंट है, आपकी जो है ना सहूलत नहीं है, अगर इस ये जो लॉकडाउन है लॉकडाउन के दौरान अगर ऑटो बंद है या फिर आपको एम्बुलेंस की सर्विस नहीं मिल रही है तो जो ना हमारे ऑटो एम्बुलेंस के ऊपर जो है अब ये नंबर भी आपको दिया जाएगा। हमारे इकबाल जो है ना इसका ऑटो ड्राइवर और ओनर भी हैं, जिससे हमारा ये जो ऑटो है आपको फ्री सर्विस मिलेगा, जिसमें जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क वगैरह सभी चीज़ें जो है ना हमारा जितना भी मेडिकल सेटअप है इसके अंदर हम रखा गया है जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। और हमारा जो है गुलबर्गा शहर के लिए हम ये जो कोविड में जो हम जो वर्क कर रहे हैं और जो गुलबर्गा NGOs फेडरेशन की तरफ से ये जो हम तमाम NGOs वाले जो है ना फिलहाल ये एक ऑटो एम्बुलेंस जो है ना हम गुलबर्गा के लिए हम ये दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अभी जो हो सकता है हमें गुलबर्गा NGOs फेडरेशन की जानिब से हम और भी करेंगे इंशाल्लाह। गुलबर्गा NGOs की तरफ से एक ऑटो एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल थे एम्बुलेंस में ले जाने के लिए, 2-3 हज़ार रुपये लोग चार्ज कर रहे थे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट गुलबर्गा NGOs की तरफ से है। जब हम स्टार्ट में देख रहे थे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ऑक्सीजन की लोगों को कि बेड भी नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, जब ये हम लोग इसका इशू उठाए, यहाँ तक कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी
उसको भी गुलबर्गा एन जी ओज की तरफ से उसको बंद कराया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में एक अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन अच्छा सबको मिल रहा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये ब्लैक मार्केटिंग रुके और जो बद इंतज़ामी थी इंतज़ामिया की वो भी सीधी होने पर खरीब खरीब है। तो आप तमाम गुलबर्गा के लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि गुलबर्गा एन जी ओज की जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है उसका फ़ायदा उठाएँ।